फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme C63 Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना आप अपने फोन को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन के ना साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट किया जा सकता है। कैसे? देखिए, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग का पेज ओपन करिए। इसमें अब आपको नीचे आना है, नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम सेटिंग, सिस्टम सेटिंग पे टैप करना है। अब देखिए, इस वाले पेज में आपको ये एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी पे टैप करना है तो आपका ये पेज आएगा। अब इस वाले पेज में आपको ये एक्सेसिबिलिटी बट ये जो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू है ना, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे टैप करना है। ठीक है, तो आपका एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का पेज आता है। अब इस पेज में आपको ये शॉर्टकट के सामने जो बटन दिया हुआ है ना, इस बटन को आपको टैप करके ऑन करना है। ठीक है, तो इस बटन को आप टैप करेंगे ना तो आपका जो है एक ही पेज आ जाता है। अब इस पेज में आपको नीचे अलाउ का ऑप्शन है, अलाउ पे टैप करना है तो आपका एक और ये पेज आता है। इस पेज में देखिए दो ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, एक्सेसिबिलिटी बटन के सामने जो सर्कल है इस पर राइट टिक लगा लेना है ऐसे। ठीक है, तो आपका देखिए मैं ये पहला ऑप्शन इसलिए सिलेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि पहला ऑप्शन थोड़ा यूज करने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक है, अब आपको नीचे राइट टिक लगा के नीचे ओके पे टैप करना है तो आपका ये बटन ऑन हो जाता है। और जैसे ये बटन ऑन होता है ना तो आपके फोन की स्क्रीन पर देखिए ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का एक शॉर्टकट बटन आपको दिखाई देने लगता है स्क्रीन पे। तो ये जो बटन है ना, ये फोन की स्क्रीन पे देखिए आपको सभी जगह आपको दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, आप इस बटन का यूज ना कभी भी किसी वक्त आप इसका कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना ये है कि एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का जो शॉर्टकट बटन है इसे टैप करना है तो आपका ये पेज आता है। इस पेज को आप लेफ्ट और राइट ऐसे कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको और भी ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पेज में आपको ना ये ऑप्शन है पावर का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। ठीक है, आपका ही पेज आता है। इसमें देखिए सबसे ऊपर ये रीस्टार्ट लिखा है ना, रीस्टार्ट का ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होके ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा, यानी कि आपका फोन रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक तरीका है मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट करने का तरीका। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो इस सेटिंग का आप अपने फोन में यूज करके देखिएगा। ठीक है।